नमस्कार, गांव शिव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर में शुक्रवार से 15वीं विधानसभा का चौथा सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र शुरू होगा। शुक्रवार को विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल को RAC बटालियन सलामी देगी। कोटा में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में आरोपी बनाए गए कोटा जिला प्रमुख सुरेंद्र गोचर को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में जिला प्रमुख को कोर्ट में पेश किया गया, वहां उसे 4 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दे दिए गए। जिला प्रमुख की गिरफ्तारी की सूचना के तत्काल बाद कांग्रेस ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी फुरकान को हिरासत में लिया है। फुरकान को गुरुवार रात स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके बाद उसे क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। क्राइम ब्रांच अभी फुरकान से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल फुरकान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पाकिस्तान से आसमान के रास्ते भारत में बरप रही आफत, धरती पुत्र सांसद में जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते आई हुई टिड्डियों के दल की, जिसने समूचे राजस्थान में तबाही मचा रही है। आपको बता दें कि जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जैसे जिलों में फसलों पर कहर बरपा कर अब श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में कहर बरपा रखा है। आपको बता दें कि श्री रणकपुर क्षेत्र के सीमावर्ती एरिया में पिछले कई दिनों से टिड्डी दलों ने अपना जमावड़ा बना रखा है। छिपा बड़ोद में बालिका दिवस के मौके पर आज छबड़ा में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में कोर्ट परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन हुआ। ADJ श्वेता गुप्ता ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों को लेकर शपथ दिलाई। वहीं ADG गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राओं की रैली कस्बे के मुख्य मार्गो से होते हुए बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस मौके पर ADG श्वेता गुप्ता द्वारा छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बारा के कवाई कस्बे में लंबे समय से सभी कॉलोनियों व मोहल्लों की नालियां अवरुद्ध होने से घरों से निकलने वाला दूषित पानी आम रास्तों पर फैल रहा है, जिससे कस्बे वासियों को वहां से निकलने से भारी परेशानी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे की सभी कॉलोनियों व मोहल्लों में पिछले वर्ष CC तो बनी, पर कई जगहों पर नालियां नहीं बनी और नालियां बनाई भी गई तो उन्हें समय समय पर साफ नहीं किया जा रहा है। पदमपुर में मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत से 5 जने हुए घायल, 2 महिलाओं की हालत चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया। घटना पदमपुर जैसर मार्ग की है। पप्पू हलवाई अपने मोटरसाइकिल पर 2 महिलाओं के साथ किसी कार्यक्रम में पदमपुर से जा रहे थे कि जैसर मार्ग से आमने सामने से आ रही मोटरसाइकिल पर गाँव 3RB ET भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हरमन पुत्र सुरेंद्र कुमार बठिंडा अपनी माँ किराना देवी के साथ पदमपुर आ रहे थे। छिपा बड़ोद में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदेश विद्या मंदिर के तत्वावधान में एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष में विशाल बाल शक्ति पंथ संचलन निकाला गया। पंथ संचलन दोपहर 12 बजे धान मंडी से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ आदर्श विद्या मंदिर झोलम रोड पर पहुंचा, जहाँ पंथ संचलन का संपन्न किया गया। पंथ संचलन में विद्यालय के 1000 छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए घोष वादन के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय विकास परिषद, जन जागृति मंच आदि संगठनों का भी सहयोग रहा। नारायणपुर कस्बे के अलवर रोड नारायणपुर में स्थित श्रीमती हेमलता मेमोरियल गर्ल्स PG कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा आयोग योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इस शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं की स्वयंसेविकाओं ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष में महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई एवं सुभाष चंद्र जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं की विभिन्न टीमों ने शहरी जीवन एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने शहरी जीवन एवं ग्रामीण जीवन पर अपने विचार रखे। अलवर जिले के बानसूर में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने एवं महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला वीएलई मनीषा देवी ने उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह के सचिव तरुणा देवी दोनों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राजस्थान द्वारा कार्यालय जयपुर द्वारा शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। प्रागपुरा कस्बे के सुभाष चौक मुख्य बाजार में समाज सेवी कैलाश बिड़ला के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जंग आजादी के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा नेताजी का स्मरण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। संपूर्ण देशवासियों को दिशा दृष्टि देती रहेंगी, बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भारत माता तथा सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे लगाकर बाजार में लज्जू का प्रसाद वितरण किया। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बुधवार को तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर देवीलाल जोशी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नायक ने अस्पताल के लेबर रूम, प्रसव रूम, ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। कोलाय थाने में 16 दिसंबर 2019 को शुभम उर्फ शिवा द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें बताया कि 11 सितंबर को अपनी गाड़ी में सेब हिमाचल प्रदेश से भरकर मुंबई के लिए रवाना हुआ था। जिसमें खालासी राजन नामक का व्यक्ति था। तीन अज्ञात व्यक्तियों ने बोलेरो गाड़ी से सांकला फाचा कोलायत के पास गाड़ी रुकवा कर और गाड़ी को लूट कर मेरे साथ मारपीट कर भाग गए। बावड़ी में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कस्बे की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की ओर से कस्बे में रैली निकालकर बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली के दोनों हाथों में तख्तियां लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश देते हुए बालिकाएं नारे लगाती हुई रैली निकाली। जालौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित श्रीमाल वंदन 2020 कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक संध्या व नगर की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।